जान के साथ शादी पे खुश हो तुम? जबरदस्ती की शादी में कौन खुश होता है बाबा जाने? क्या हयान ने तुमसे कहा है कि उन्होंने ये शादी जबरदस्ती की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मुझे नहीं पता। हमसे बहुत ज्यादती हो गई तुम्हारे साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। और अभी वैसे भी सिर्फ एक ही दिन तो हुआ है। मैंने कब चाहा था कि मेरी बेटी है इस तरह से जबरदस्ती अपने ससुराल में दिन गुजारे। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारी मुंतहा बहुत समझदार है, कुछ ही दिनों में अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेगी। और शौहर का? जिंदगी के अच्छे दिन इम्तिहान देते गुजार देगी मेरी बच्ची। क्या आप अपनी मुंतहा को नहीं जानते? हर महाज पे खड़े होकर लड़ना जानती हूँ मैं, फिर क्यों फिक्र करते हैं आप? बड़ी मुश्किल में डालते हैं ना तुम्हें। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अलजबा यहाँ से कितने खुश हैं? पता नहीं कौन लोग थे जो मेरी बेटी की खुशियों को खा गए। चंद पैसों के लालच में जेवर ना लूटते तो ये बदगुमानियां भी पैदा ना होती। मैं तब भी बदगुमान नहीं था, मुझे यकीन था कि कोई ना कोई हादसा हुआ होगा। एक बार वो लोग मुझे मिल जाएं, वो हशर करूंगा कि मौत के लिए भीख मांगेंगे वो। भूल जाएं बाबा जान, क्यों याद करते हैं बार बार ये बात, कोई फायदा नहीं है। मुंतहा, तुम्हारे ससुराल वालों ने तो तुम्हारा जिक्र नहीं किया ना इस बात का? नहीं। कितने अच्छे लोग हैं ना, तमाशा लगाने के बजाय कितनी आसानी से मान गए। सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे ये थी कि यासिर अलिश्बा को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन दोनों को साथ देके तसल्ली हुई, खुशी हुई।